नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। पुलिस भर्ती का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि 60,244 पदों के लिए लिखित परीक्षा हो रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है, जहां पर सेंटर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों की भीड़ देखी जा रही है। साल्वर गैंग और संदिग्धों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। पुलिस एसटीएफ एटीएस एलआईयू भी इस पर कड़ी नजर रख रहा है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। आज पुलिस भर्ती का तीसरा दिन है, तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सेंटर पे अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 60,244 पदों के लिए लिखित परीक्षा हो रही है। परीक्षा का आज तीसरा दिन है। साल्वर गैंग और संदिग्ध पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गड़बड़ी की कोशिश में 15 एफआईआर, 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस और एसटीएफ का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस और एसटीएफ के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई 2 दिन में की गई है। 15 एफआईआर दर्ज हुई है, 17 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। गोरखपुर, कानपुर, मऊ से 2-2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मथुरा में भी 2 छात्र अरेस्ट किए गए हैं। आगरा, लखनऊ, महाराजगंज में 1-1 छात्र को अरेस्ट किया गया है। रायबरेली, फिरोजाबाद में भी 1-1 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। सहारनपुर से 3 छात्र को गिरफ्तार किया गया है। तो 17 छात्रों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। गोरखपुर, कानपुर से 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस एसटीएफ का एक्शन देखने को मिला है। तो इस वक्त की पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं की फर्जी मार्कशीट भी बरामद हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस भर्ती परीक्षा पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। आप बने रहें एईजेड न्यूज के साथ।